हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। अगर आप लोग हमारे चैनल के लिए नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो आप लोग को अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद। ओम। अगर आपके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा अगर सही होगी तो कोई भी बीमारी आपको नहीं होगी, क्योंकि वायु का ही काम होता है शरीर में, जो रक्त का संचालन करता है वो वायु करता है। तो उस प्राण वायु को जितना आपकी कैपेसिटी होगी और जितना लंबा गहरा सांस आप ले पाएंगे, जितना देर रोक पाएंगे और जितना देर छोड़ पाएंगे। अभी कुछ किसी लोगों को श्वास लेने के लिए बोलेंगे, हम लोग बोलते हैं कि 2.5 से 5 सेकंड में श्वास लेना, ठीक है, लेकिन आप उसको लंबा ले लेंगे तो कोई नुकसान नहीं है। समय हो तो कुछ प्राणायाम के बारे में बता दें, बताएं, करेंगे आप लोग 15 मिनट, नहीं ज्यादा हो उधर से हाथ खड़ा कर रहे हैं कि कुछ बताइए, तो सीख लीजिए सर, अगर मौका है तो ज्यादा नहीं करवाएंगे आप लोगों से, सिर्फ बता देंगे कि कैसे करना है आप लोगों ने, क्योंकि आप लोग सीखे रहेंगे सर तो बच्चों को जरूर कराएंगे, और जब बच्चों को कराएंगे ना, आने वाली जो पूरी होगी ना वो बहुत ज्यादा मजबूत और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, वो दवा पे निर्भर नहीं रहेगी। हम लोग सारे लोग दवा पे निर्भर है, लेकिन दवा क्या है, एलोपैथी में बुरा नहीं कहता, जब आपकी इमरजेंसी होती है तो एलोपैथी आपकी जान बचाते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो ऑपरेशन की सर्जरी की जरूरत पड़ती है तो आपको एलोपैथी नहीं जाना होता है, लेकिन जब आपके असाध्य रोग हो जाते हैं तो आप उनका सेवन मत कीजिए। आपको कोई चीज में दर्द कर रहा है, आप बार बार पेन किलर ले रहे हो, गोली ले रहे हो, आज खा लिया तो आज दिन भर शरीर को चला ले, तो दिन के बाद पता चलेगा, जांच कराओगे, अरे किडनी तो फेल हो गया, डॉक्टर बोलोगे डायलिसिस करना जी, डायलिसिस भी हो गया तो वजह कहानी खत्म हो गया, फ्रॉड क्या हो गया, अरे मेरी किडनी तो गई, अब तो डायलिसिस भी आ गए, सप्ताह में एक बार, दो हो जाएगा दो बार, कहानी खत्म होता है नहीं सर ऐसा। तो सर उसके उससे बचने के लिए अपने शरीर को हिलाते रहना है सर, और जितना प्राणायाम हम करवाएंगे आप लोगों से, 16-17 प्राणायाम करवा दूंगा, लेकिन जो मेन जो चीज है प्राणायाम सर वो सभी लोग कर सकते हैं, तो वो चीज डेली करना है आप, जो भी सर पत्रिका से बताऊंगा सर आप लोग करो या ना करो, 2-4 बार आप लोग कर सकते हो। और सर दूसरे दिन से आप लोग अपना कॉपी और पेन भी लेके आना है सर, कोई चीज मेरी आपको पसंद आएगा कि हमारा, चूंकि यह अंदर आत्मा से निकलती है, वो किताबें से इतनी बातें नहीं निकलेगी, ये 2 पन्ने की जो किताब है 4 पन्ने की, आप काम खत्म कर दूंगा मैं 15 मिनट में। तो जो चीजें आपको बता रहा हूँ और कोई चीजें आपको लगती है कि मेरे मुंह से निकली हुई चीज सही में वाकई फायदेमंद है, उसको नोट कर ले सर, आप बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा सर। डेली आप हल्दी का सेवन जरूर करिए, बहुत लोग होता है जॉन्डिस में हल्दी नहीं खाना बोलते हैं ना, लेकिन जॉन्डिस में हल्दी आप खाओ कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा खाओ ज्यादा नहीं खाओ, कोई भी चीज अति करने से वो प्रोहिबिट का काम करता है, कोई भी चीज। हमने आपको बोल दिया पसीना बहाओ जी, आप जो सिर्फ 24 घंटे पसीना बहाओगे शरीर पता चलेगा कि ऐसे हो गया, चलने की स्थिति नहीं रहेगी, तो सर उतना भी नहीं, लेकिन हाँ उतना जरूर करो जिससे लाभ हो। आयुर्वेद में सर आपको बोल दिया तुलसी की 5 पत्तियां खा ली, आप कह दिए सर बकरी की जैसा पूरा श्रेणी कमा के खा लो सर, तो फायदा वो 5 पत्ते की ही कर ली है, तो इसका जरूर करेंगे। अगर घर में किसी को सर्दी जुकाम खांसी हो जाता है, अदरक का इस्तेमाल कीजिए, दालचीनी का इस्तेमाल कीजिए, हल्दी का इस्तेमाल कीजिए, एलोवेरा को गर्म पानी में अगर लेते हैं तो एंटीबायोटिक का काम करता है बढ़िया सर, जूस बना करके एलोवेरा को भी आप ले सकते हैं, घर में तुलसी है उसे काढ़ा पी सकते हो, गिलोय है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, हर श्रृंगार है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, अश्वगंधा है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन सब चीजों के लिए हम घर में लगाए हुए पौधों से पत्ते को तोड़ कर काढ़ा बनाकर पीते हैं तो मुझे दवा खाने की जरूरत नहीं, जो भी सर्दी होगी ठीक हो जाएगा। हमारा शरीर बहुत बड़ा मशीन है सर, एक चीज को ध्यान रखिएगा, इस शरीर से बड़ा मशीन कोई नहीं है, ये आपकी जो दो नाश्ता है ना सर, ये एसी का काम कर रहा है आपका, इधर से ठंडे ले रहे हो उधर से गर्म ले रहे हो, आप देखेंगे आपका बॉडी हीट हो गया तो ये चंद्रनाड़ी खुल जाएगी, इससे श्वास आप लेना शुरू करो,
ये भाव बंद हो जाए, ये कम चले, और जब शरीर आपका ठंडा हो गया तो ये नाड़ी सक्रिय हो जाए, उसको बोलते सूर्य नाड़ी। तो ऐसी का काम कर रहा है, बैलेंस को बनाए हुए है आपके शरीर का। तो इस काम को आप लोगों ने करना है, तो आप लोग अगर लिविंग इसका ध्यान रखो। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर हमारे चैनल के लिए आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो आप लोग को अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और बेल आइकॉन को इसलिए दबा लें ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचते रहे। ये जो वीडियो हमने बनाया है इसका दूसरा भाग, तीसरा भाग, चौथा भाग भी मैं बनाने वाला हूँ। अगर आप चाहते हैं कि उस भाग को भी मैं देख सकूँ तो बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद। ओम।